मुतहदा कौमी मूवमेंट के मुतहदा सोशल फोरम पाकिस्तान की तरफों नामवन फनकार मोइन अख्तर मरहूम की याद में एक तकरीब कराची आर्ट्स काउंसिल मुनाकिद थी। इस मौके पर शोबिस तालुक रखने वाले फनकारा समेत मुतहदा कौमी मूवमेंट की राबता कमेटी के अरकान और साबिक वुजरा ने भी शिरकत की। मोइन अख्तर की शख्सियत और किरदार से रोशनी पा दी। एक फनकार के लिए इवन मेरी अपनी पार्टी सब जानते हैं, उन्होंने भी ऐसा ये सोच नहीं थी कि वो ऐसी तकरीब एक आर्टिस्ट के लिए मुनाकिद करे। डॉक्टर फारूक सत्तार ने फिल्म स्टार मुस्तफा कुरैशी दी अपनी पार्टी निस्बत के इजहार को एक मौका समझा अते हुना हुकूमत समेत वडेरे जागीरदारा अते सियासी जागीरदारा दी दुर्गत बना दी, जना जो एमकेएम दा दिल पीपल्स पार्टी च धड़कदा पे। और आपने भी अपनी पार्टी का जिक्र किया, हम तो ये कहते हैं कि ये एमकेएम का दिल है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर है, जो वहां पर धड़क रहा है। इस मौके पर डॉक्टर फारूक सत्तार ने सदर जरदारी के अंदाज च कई गाली पंजाबी च कीतियां हैं ते आख्या जो पंजाब दी आवाम सबको हुकूमत वास्ते मौका दिते, एक मौका साकू भी देखे देखे। ਤੁਸੀਂ ਸਭੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਮਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਜ਼ਮਾਓ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਔਰ ਹਮ ਬਾਕੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲੈ ਔਰ ਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਮ ਆਏਗੇ ਵਹਾਂ ਪਰ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਰੱਬਾ ਯਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਊਡਲਸ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ या फिर सबदी फोटो दीवार पे टंग जावे। डॉक्टर फारूक सत्तार दा आखन है जो आवाम जेड़े हुक्मराना दी वजह तो बीमार हैं उन्हां कोली वला दवाई घिनन वेंदे हैं, पर हुन वेला आ गया जो डॉक्टरों को तब्दील करना हो सी। ये उसी से अपना इलाज करा रहे हैं। जरूरत इस बात की है कि मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, मीर क्या सादा है बीमार हुए जिसके सबब, उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं। अब हमें इस अतार के लौंडे को बदलना होगा। मुतहदा कौमी मूवमेंट की तरफों नामवन फनकार मोइन अख्तर की याद में ट्रिब्यूट दिता गया, जिंदे च ना सिर्फ अजीम फनकार की याद को ताज़ा किया गया बल्कि मुतहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार भी अपने अंदाजे गुफ्तार बहुत सारे शेरों के नाल बहुत सारे पैगामात भी दिते। कैमरामैन जैन अली के नाल जावेद हुसैन रोही टीवी कराची।